एक वक्त का किस्सा है। नीलापुर गांव के करीब एक जंगल था जिसमें एक खंडर था। उसमें एक अजीब दरवाजा था। कहा जाता था कि जो कोई भी इस दरवाजे के अंदर जाएगा उसके साथ वो कुछ होगा कि वो सारी जिंदगी रोता ही रहेगा। उस जंगल के करीब गांव में बिट्टू नाम का एक लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता था। बिट्टू एक बहुत शरीफ लड़का था और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसने एक बार पाला हुआ था जिससे वो मुख्तलिफ परिंदों का शिकार किया करता था। बेटो बेटा, आज तो ऐसा परिंदा शिकार करके ला जिसे खाकर तन बदन में सुकून मिल जाए। दिल बड़ा कर रहा है परिंदे का गोश्त खाने को। अबू जान, मैं पहले जो परिंदे मार कर लाता हूँ वो भी तो बहुत लजीज होते हैं। मेरे शिकार में तो कोई भी कमी नहीं होती। वो बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है, मगर इस बार कोई नायाब परिंदा मार कर ला जिसका गोश्त कलेजे की तरह नरम हो। हाँ बेटू, मैं देसी घी में गरम मसाले डालकर बनाऊंगी। मेरे हाथ में बड़ा जायका है, खाना खाने का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, आप सब बेफिक्र हो जाएं। मैं आज दूसरे जंगल में जाता हूँ शिकार खेलने। मुझे उम्मीद है वहाँ मुझे नई नस्ल के परिंदे मिल जाएंगे। फिर बिट्टू अपने बास को लेकर निकल जाता है और चलता चलता वो उसी जंगल में पहुँच जाता है जहाँ वो अजीब दरवाजा था। बिट्टू अपने बाज को उड़ा देता है और वो शिकार ढूंढने निकल जाता है। बिट्टू काफी देर खड़ा अपने बाज का इंतजार करता रहता है लेकिन वो वापस नहीं आता। ये क्या हो गया, मेरा बाज पहले तो कभी इतना टाइम नहीं लगाता था जितना आज लगा रहा है। मुझे आगे जाकर अपने बाज को ढूंढना चाहिए। बिट्टू उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है तो वो उसी खंदक के पास पहुँच जाता है तो उसकी नज़र उसी दरवाजे पर पड़ती है। लगता है ये अंग्रेजों के जमाने का खंडर है, लेकिन इसका दरवाजा तो बहुत नायाब लग रहा है और इस दरवाजे के अंदर तो सीढ़ियां भी हैं। बिट्टू इसी कश्मकश में होता है कि वो अंदर जाए या ना जाए। तभी उसका बाज आता है और वो दरवाजे के अंदर चला जाता है। हाय, मेरा बाज अंदर चला गया, मैं भी अंदर जाता हूँ और अपने बाज को लेकर आता हूँ। बिट्टू उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और सीढ़ियां चढ़ता हुआ जब वो ऊपर पहुंचता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि ऊपर एक रेगिस्तान है और सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की गधी पर बैठी उसकी तरफ चली आ रही है। बिट्टू घबरा जाता है और वापस सीढ़ियां उतरकर उस दरवाजे से बाहर निकल आता है और वापस घर पहुंच जाता है। क्या हुआ बिट्टू, अब इतना घबराए हुए क्यों हो? बिट्टू उन्हें अपने साथ हुआ सारा वाकया बताता है जिसे सुनकर वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। बेटे, तूने तो वो चीज ढूंढ ली है जिसकी खोज पूरे गांव वाले कर रहे थे, मगर किसी को वो दरवाजा नहीं मिला। क्या मतलब अब्बू जान, मैं आपकी बात समझा नहीं। बेटा, उस दरवाजे के बाहर वो दुनिया है जहाँ कोई एक बार चला जाए और वहाँ कुछ दिन रह ले तो वो सारी जिंदगी रोता रहता है। अब्बू जान, वहाँ ऐसा क्या होता है जो कोई वहाँ से वापस आता है तो सारी जिंदगी रोता रहता है? बेटा, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता। मैंने तो खुद ये बात अपने बुजुर्गों से सुनी है। पर बेटा, अब तुम कभी उस जगह पर नहीं जाओगे और ना ही इस बात का जिक्र किसी से करोगे। पर अब्बू, मेरा बाज तो उस दरवाजे के अंदर चला गया है, उसे लाना बहुत जरूरी है। नहीं, हरगिज नहीं, हम और बाज खरीद लेंगे, मगर अब उस दरवाजे तक जाने का सोचना भी मत। ठीक है अब्बू जान, जैसे आप कहें। मैं ना खुद वहाँ जाऊँगा और ना अपने बाज को लेने जाऊँगा। मगर बिट्टू की बीवी तो पेट की बहुत हल्की होती है। उसके पेट में हलचल होना शुरू हो जाती है कि कैसे वो ये बात अपनी दोस्त को बताए। वो उसी वक्त अपनी दोस्त नसीबो के घर की तरफ निकल जाती है और जब वो उसके घर पहुँचती है। अजय शीला, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। क्या शिकार करके लेके आया आज तेरा शोर परिंदो?
रोका। अरे नसीबू, इस बात को छोड़ के बिट्टू क्या पकड़ के आए हैं? मैं जो बात तुम्हें बताऊंगी वो सुनकर तुम हैरान हो जाओगी। ऐसी क्या बात है, जरा बता तो सही, मेरे कान सुन, मैं बहुत बेचैन है। फिर वो उन्हें सारी बातें बता देती है जिसे सुनकर वो दोनों बहुत बेचैन हो जाते हैं। अरे बेगम, जरूर उस दरवाजे के अंदर ऐसी दुनिया होगी जहाँ सोने और हीरे की देगी होंगी। अरे सोने की देगी तो होगी, पर वो जगह कहाँ पर है? चलो बिट्टू से पूछते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था किसी को बताने का। अब वो जगह तुम खुद ही ढूंढ लो। बिट्टू का तो बास भी उस दरवाजे से दूसरी दुनिया में चला गया है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है शीला, तुम जा सकती हो, बाकी वो जगह मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। बिट्टू की बीवी वहाँ से चली जाती है। अरे बिट्टू, तू कैसे ढूंढ बेगा वो जगह? तूने सुना नहीं, शीला बता रही थी वो जगह बहुत खतरनाक है, जो कोई भी वहाँ जाता है सारी जिंदगी रोता रहता है। अरे बेगम, ये भी कोई बात है गधे वाली, सारी जिंदगी रोता रहता है? नहीं, वहाँ कोई मत चुरा के भाग जाता है या नाक में उंगलियाँ तुम के भाग जाता है? ऐसे ही फजूल बातें होंगे। उस जगह पर तो मैं जरूर जाऊंगा। बिट्टू को अपने बात से बहुत प्यार है, वो जरूर उसे ढूंढने जाएगा। अब मुझे बिट्टू पर नजर रखनी होगी। फिर अगले ही दिन मीठा बिट्टू के घर के बाहर खड़ा हो जाता है और उसके आने का इंतजार करने लगता है। बेगम, मुझे अपने बॉस की बहुत याद आ रही है, मुझे एक दफा जाकर वहाँ जरूर देखना चाहिए। बिट्टू, अब बेवकूफ तो नहीं हो गए? ससुर जी ने मना किया था वहाँ जाने पर। बेगम, अब्बू को क्या पता लगेगा, मैं बस एक नजर डालूंगा, अगर मेरा बॉस वहाँ हुआ तो उसे अपने साथ ले आऊंगा। चले ठीक है बिट्टू, आप जाए, मगर दरवाजे के करीब मत जाना। ठीक है बेगम। फिर बिट्टू जंगल की तरफ निकल जाता है तो मीठा भी उसके पीछे पीछे जाता है, यहाँ तक के वो पीछा करते करते जंगल में उस खंडर तक पहुँच जाता है और वो दरवाजा देख लेता है। मीठे को ये देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन बिट्टू को बाज नजर नहीं आता तो वो मायूस हो जाता है। लगता है मेरा बाज अब मुझे कभी नहीं मिलेगा, मुझे उसे भूल ही जाना चाहिए। बिट्टू मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। मिल गया, आखिर मुझे वो दरवाजा मिल गया, अब मैं दूसरी दुनिया में जाऊंगा और वहाँ से हीरे जवाहरात लेकर आऊंगा। मीठा वहाँ आता है और उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और जब वो उस रेगिस्तान में पहुँचता है तो देखता है कि सामने से एक गधी पर बहुत खूबसूरत लड़की आ रही होती है। मीठा तो उसे देखते ही दिल दे बैठता है। ऐ नौजवान, तुम कौन हो और हमारी दुनिया में क्या करने आए हो? हबीबी हबीबी, तुम बहुत खूबसूरत हो, हम तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे लिए ही तो आए हैं। क्या तुम्हारी शादी हुई हुई है? हुई भी नहीं है बल्कि हुई भी थी, जब से आपको देखा है उसे अपने दिल से निकाल दिया है मैंने। अब मैं आपको अपनी शरीक हयात बनाकर सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। मुझे भी आप जैसे लड़के की जरूरत थी। चलो मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ, अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। वो मीठे को लेकर अपने घर आ जाती है तो मीठे की नज़र वहाँ वैसे ही एक दरवाजे पर पड़ती है। ये तो वही दरवाजा है जिससे मैं अभी ऊपर आया था। नहीं, ये वो दरवाजा नहीं बल्कि उस दरवाजे से बहुत अलग है, मगर तुम इस दरवाजे के कभी भी करीब मत जाना। अरे मेरी हमसफर, मुझे क्या जरूरत है उस दरवाजे के करीब जाने की? मेरी तो मेरी चुड़ैल बीवी से जान छूट गई है, अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। इस तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और नसीबो मीठे के वापस ना आने की वजह से बहुत परेशान हो जाती है। डका चला गया इतने दिनों का, अभी तक वापस नहीं आया, कहीं वो उस दरवाजे में तो नहीं चला गया है? तो एक नंबर का लालची। नसीबो बिट्टू के घर आ जाती है। हाय मेरा मीठा, इतने दिनों का अभी तक वापस नहीं आया, मुझे क्या कर गया था? मैं बाजार से दही लेने जा रहा हूँ, पता नहीं दही की लस्सी बढ़ाने लग गया, अभी तक वापस नहीं आया। नसीबो बहन, कहीं वो उस दरवाजे में तो नहीं चले गए जिसका मैंने आपको बताया है? क्या बेगम, तुमने इन्हें बता दिया? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि किसी को नहीं बताना उस दरवाजे के बारे में, मगर तुम्हारे पेट में कोई भी बात नहीं रहती। बिट्टू मुझे माफ कर दे, मेरे मुंह से निकल गई ये बात, पर बिट्टू मीठे को तो उस दरवाजे का पता ही नहीं था, वो कैसे वहाँ चला गया? मीठा बहुत तेज है, अगले दिन मैं अपने बॉस को ढूंढने गया था तो जरूर वो मेरा पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच गया होगा। इसका मतलब मेरा मीठा उस दरवाजे के अंदर चला गया। हाय मुझे ले चलो, मैं अपने मीठे को वापस ले के आती हूँ। नसीबो बाजी, वहाँ जाने
में बहुत खतरा है। वहाँ से जो कोई भी वापस आता है सारी जिंदगी रोता रहता है। अगर मेरा मीटर ना आया तो भी तो मैं सारी जिंदगी रोती रहूंगी। बेटो मुझे ले चल वापस। ठीक है नसीबो बाजी, हम कल सुबह सवेरे वहाँ जाएंगे। आप परेशान मत हो, घर जाकर आराम करो। नसीबो वापस अपने घर चली जाती है। वहाँ मीठा तो उसके साथ बहुत खुश होता है। अब तो वो लड़की ही मीठे के लिए सब कुछ थी। मीठे जी, कल मेरी अम्मी वापस आ जाएंगी और हम कल ही शादी करेंगे। अरे दिल ही खुश कर दिया मेरी जान तुमने। फिर हमारे छोटे छोटे मीठे मीठे खट्टे खट्टे बच्चे होंगे। बिल्कुल मीठे जी, ऐसा ही होगा। बस कल मैं अपनी अम्मी को लेने जाऊंगी और हम कल ही शादी करेंगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो लड़की अपनी माँ को लेने चली जाती है। जा मेरी राजकुमारी, जा अपनी अम्मी को लेकर आ, फिर हम शादी करते हैं। वहाँ वो सब भी मीठे को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं और उस खंडर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ मीठे की नज़र उस दरवाजे पर पड़ती है तो वो सोचने लगता है, यार जरूर इस दरवाजे के बाहर एक बहुत खूबसूरत दुनिया होगी। उस लड़की के आने से पहले पहले मैं अंदर का नज़ारा करके आता हूँ। मीठा उस दरवाजे के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो ऊपर आता है तो वो वापस उसी दरवाजे के पास आ जाता है जहाँ से वो गया था। सामने नसीबो, बिट्टू और सब खड़े होते हैं। फिर अचानक वो दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है। मीठा ये देखकर जोर जोर से रोने लग जाता है। अरे ये तो मैं वापस आ गया। ओए कोई वो दरवाजा वापस ले आए, वहाँ मेरी दिल भर रहती है, उससे मेरी आज शादी होनी थी। अच्छा तो बेटे तू वहाँ ये गुल खिलाने गया था, तू घर चल, मैं डंडे मार मार के तेरी शादी करवाती हूँ। अब मीठे के पास पछतावे की सिवा कुछ नहीं था और मीठे को देखकर सबको यकीन हो जाता है कि उस दरवाजे के बारे में जो बुजुर्गों ने कहा था वो सच है कि जो कोई भी वापस आता है वो सारी जिंदगी रोता ही रहता है।